नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खरगापुर विधानसभा के बलदेवगढ़ जनपद के ग्राम रामपुरा में क्षेत्रीय विधायक राहुल सिंह लोधी गौशाला का लोकार्पण करने के लिए ग्राम पंचायत रामपुरा के दोन पटार गाँव पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने फीता काट कर नवीन गौशाला का लोकार्पण किया। गौशाला नए मॉडल के अंतर्गत बनाई गई है। विधायक ने कहा कि गौशाला बननी थी, आसपास के लोगों को लाभ होगा और मवेशियों को रुकने की अच्छी व्यवस्था गौशाला में की जाएगी। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि गरीब व्यक्तियों को शासन की योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि सभी विभागीय कर्मचारी कार्य में तेजी लाएं और लोगों के कार्य समय पर करें, जिससे लोगों को कोई समस्या ना हो। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम के दौरान जनपद सीओ बलदेवगढ़ प्रभात कुमार गंगूरिया, बलदेवगढ़ तहसीलदार अनिल गुप्ता, खरगापुर तहसीलदार सुरीका साहनी, नायब तहसीलदार दीप्ति चौधरी, बीजेपी के कुडीला मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह लोधी, खरगापुर मंडल के मंडल अध्यक्ष बाबूलाल यादव, महामंत्री राकेश अहिरवार, भरत जनता राजपूत एवं ग्राम पंचायत रामपुरा के सरपंच प्रतिनिधि रामस्वरूप यादव और काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। रविंद्र चौरसिया की रिपोर्ट। आसपास में गायें जो होती हैं, कोई आसपास गौशाला थी नहीं, बहुत समय से मांग चल रही थी। आज उसकी उसका लोकार्पण का कार्यक्रम था और बहुत ही अच्छी भव्य गौशाला बनकर तैयार हुई है। 37 लाख कुछ की गौशाला है और इसमें चारागाह की और बाकी सब व्यवस्था है इसमें, और आसपास के ग्रामवासियों को बहुत राहत मिलेगी। अभी देखा जा रहा है कुछ गौशालाओं का काम बिल्कुल धीमी गति से चल रहा है, गाय रोड पर हो रही है, आज हादसा भी हो रहा है इस पर। नहीं, हम लोगों ने तो टारगेट अभी पिछले 15 दिन पहले यही फोन किया था कि 15 दिन बाद उद्घाटन है। अब आप समझ लो 1 महीने के अंदर 3-4 गौशाला का और उद्घाटन होना है। जितनी गौशाला थी हमारे विधानसभा में 19 के आसपास गौशाला थी, तो सारी गौशालाओं का लोकार्पण हो जाएगा और जो बचेंगी उनकी जल्दी करेंगे। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी गौशाला आ रही है 1.5 करोड़ की, उस गौशाला के लिए हम सीओ साहब जमीन देख रहे हैं। पटोरी के पास जो नदी है वहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नदी के बगल में कोई अच्छा स्थान मिल जाए वहाँ। उसके लिए कितनी एकड़ चाहिए जमीन? 25 एकड़ के आसपास जमीन। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।